हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन साथियों ने निष्ठा कोर्स 1 कंप्लीट कर लिया है लेकिन उनका सर्टिफिकेट नहीं आ पाया है, उसके बारे में। और नंबर दूसरा, जिन साथियों ने निष्ठा कोर्स 1 कंप्लीट कर लिया है और तीनों अटेम्प्ट कर लिए हैं तो उनके अंक 70% से कम आए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देखें, समझ लें। आप वीडियो को स्किप करते हैं तो उसके बाद कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो वहीं पर आप गलती कर बैठते हैं, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जिन साथियों का निष्ठा कोर्स 1 कंप्लीट हो गया है और सर्टिफिकेट नहीं आया है, उन साथियों ने निष्ठा कोर्स 1 करते समय या तो एक स्टार 5 स्टार की रैंक देनी होती है या उसे नहीं दिया है उन्होंने, या सही ढंग से कंप्लीट नहीं किया है इसीलिए उनका सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है। तो सर्टिफिकेट को शो करने के लिए सबसे पहले हम अपने दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। एक दो ट्रिक हम आपको बताएंगे, अगर फिर भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है तो क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे। आप अपने दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। दीक्षा ऐप को ओपन करने के बाद आप यहाँ नीचे प्रोफाइल में चले जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउन चले जाएंगे सीधे। डाउन जाने के बाद यहाँ पर आपको एक रिफ्रेश का बटन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद फिर भी अगर आपका सर्टिफिकेट शो नहीं होता तो 2-3 बार इसे रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे 2-3 बार, फिर भी अगर आपका सर्टिफिकेट शो नहीं होता है तो उसके बाद दूसरा ट्रिक हम यहाँ पर बताएंगे। अगला ट्रिक है, आप दीक्षा पोर्टल को ओपन करेंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा। ओपन करने के बाद डाउन चले जाएंगे, यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीनों कोर्स आ जाएंगे। आपने पाठचर्या समावेशी में सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका 3 अटैम्प में अगर कोई अटैम्प बचा है तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं। इसे कोर्स निर्देश, इसको फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको आपको चलाना है। चलाने के बाद ये कंटेंट आपको पढ़ लेने हैं। ऐसे इसको डाउन करेंगे स्क्रॉल, ये यहाँ को आपको परसेंट भी बता रहा है कि कितना परसेंट आपने पढ़ लिया है, 50%, 100%। सेकंड पेज में गए तो 100% हो गया है, तो यहाँ पर इसको आप पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर एग्जिट आपको दिखाई दे रहा है, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर रेटिंग आपने नहीं दी होगी, इसको आपको रेटिंग देनी है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने आए हैं, जो भी आपको लगता है आप उसको रेटिंग दे सकते हैं या अन्य पर चले जाएं या कोई भी रेटिंग आप दे सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे अन्य पर और इसे जमा कर देंगे। जमा करने के बाद रेटिंग के लिए धन्यवाद। फिर यहाँ पर बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर उद्देश्य, इसी प्रकार इसको भी करेंगे, उद्देश्य को क्लिक करेंगे, इसको चलाएंगे। यह आपने पहले किया होगा, केवल आपको यहाँ पर रेटिंग देनी है दोबारा। इसको चलाने के बाद तो उद्देश्य का ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको यहाँ पर चले जाना है 3 डॉट पे। 3 डॉट पे जाने के बाद डाउन चले जाएंगे, यहाँ पर एग्जिट दिखाई दे रहा है, एग्जिट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इसका रेटिंग देंगे यहाँ पे, ये देखिए, इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और जमा कर देंगे। आपको जो भी ऑप्शन इसमें लगता है इसे जमा कर देंगे। फिर यहाँ से बैक, तो इस तरीके से आप जो है एक बार पुनः फिर से सभी कोर्सों को करेंगे और रेटिंग देते जाएंगे
4 रेटिंग कम से कम देनी है। तो इस तरीके से एक बार ट्राई कीजिए, दोबारा सबमिट कीजिए। फिर भी अगर आपका सर्टिफिकेट शो नहीं होता है तो आपको क्या करना है उसके बारे में आगे बताया गया है। फिर भी अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ शो नहीं होता है तो अगला ट्रिक, आप यहाँ टॉप में चले जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर डाउन चले जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पर सहायता का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक करेंगे। हेल्प, हेल्प में जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर ऑलरेडी दिए हैं दीक्षा द्वारा, तो आपका कंटेंट अगर इसमें कंटेंट प्रॉब्लम है तो इसे क्लिक करना है, कंटेंट प्ले नहीं हो रहा तो इसे करना है, और प्रोफाइल अगर आपकी सही नहीं है इसे करना है, लॉगिन नहीं हो रहा तो इसे करना है। तो आपको सीधे डाउन जाना है, डाउन में अगर यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑप्शन है या अदर में चले जाइए, इसको अदर पर क्लिक करेंगे। अदर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चले जाएंगे, अन्य समस्या रिपोर्ट दर्ज करें, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर अदर इशू, इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे यहाँ पर इंटर करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपनी समस्या दर्ज करनी है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर अपना समस्या को दर्ज करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं, माय निष्ठा कोर्स 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड बट आई हैव नॉट गॉट द सर्टिफिकेट येट, प्लीज हेल्प मी, इस टाइप का आप लिख कर यहाँ जमा कर देंगे। तो दीक्षा की टीम आपको इसका समाधान बताएगी और उसके बाद यहाँ से बाहर चले जाएंगे। आप एक दो दिन इंतज़ार करें, अगर उसके बाद भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है तो उसके बाद क्या करना है आगे बात करते हैं। जो साथी पहली बार चैनल में आए हैं, अगर आपको एतराज़ ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक दीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप क्लिक करके सीधे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन साथियों ने दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कैसे दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और निष्ठा गूगल फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करके अपना निष्ठा गूगल फॉर्म भर सकते हैं। और तीनों कोर्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप क्लिक करके उन कोर्सों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन साथियों ने कोर्स 1 कंप्लीट कर लिया है और तीनों अटेम्प्ट कंप्लीट करने के बाद 70% से कम अंक आए हैं, तो उन साथियों को क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप सबसे पहले सेटिंग में चले जाएंगे, अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार आपको दिखाई दे रहा है सेटिंग में, यहाँ पर आप टाइप करेंगे ऐप, इस तरीके से टाइप करेंगे ऐप। ऐप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च में, सर्च करने के बाद आप डाउन चले जाएंगे, डाउन जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा मैनेज ऐप, इसे क्लिक करेंगे। मैनेज ऐप में क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत ऐप्स आपको दिखाई देंगे, फिर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन चले जाएंगे नीचे। डाउन जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐप ढूंढना है, दीक्षा, दीक्षा का ऐप ढूंढना है। यह है दीक्षा का ऐप, इस ऐप को आपको ओपन करना है, क्लिक करना है यहाँ पर। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर नीचे डाउन चले जाएंगे, क्लियर डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे क्लियर डाटा, तो आपके दीक्षा ऐप में जो भी डाटा इंटर किया है आपने वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
क्लियर होने के बाद उसके बाद केवल अनइंस्टॉल ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप इसे अनइंस्टॉल कर देंगे दीक्षा ऐप को। जब कंप्लीट अनइंस्टॉल यहाँ पर दीक्षा ऐप हो जाएगा तो उसके बाद जब दीक्षा ऐप पूरी तरह आपका अनइंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको फिर से प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। दीक्षा ऐप कैसे डाउनलोड होना है उसका लिंक मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर में जा सकते हैं। आपको तो यहाँ प्ले स्टोर में जाने के बाद ऊपर सर्च बार में आप दीक्षा टाइप करेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दीक्षा ऐप का लिंक दिया है उसे क्लिक करेंगे तो सीधे आप दीक्षा ऐप पर चले जाएंगे, इतना आपको फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं होगी। दीक्षा टाइप करने के बाद फिर से वही दीक्षा ऐप यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आप उसे इंस्टॉल कर देंगे। हमारा अपडेट मांग रहा है तो हम इसे अपडेट कर देंगे, आपका इंस्टॉल आएगा, आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, पूरा इंस्टॉल होने देंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन ऑप्शन आएगा, आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जब आपके उसमें इंस्टॉल हो जाएगा तो ऐसा ओपन करके आएगा, आप इसे ओपन करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको ऐसा दिखाएगा फिर से, तो आप एक बार अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद दोबारा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद भाषा सेलेक्ट करनी है, उसके बाद टीचर सेलेक्ट करना है, तो वही प्रक्रिया आप इसमें दोबारा अपना नामांकन करा सकते हैं और दोबारा कोर्स वन को कंप्लीट करेंगे। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।